हाँ जी, टुडे आई वी आर डिस्कस फ्रॉम द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डिप्लोमा इन सेकेंड ईयर। दस टॉपिक इज द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। जो ड्रग है कैसे बॉडी में अब्जॉर्प्शन कैसे करती है, उसका कैसे उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, ठीक है। जो अलग डिफरेंट डिफरेंट रूट्स ने, सो इसके रूट्स के बारे टुडे हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या अगर बायोलॉजिकल लॉग लैग होता है, बायोलॉजिकल लॉग इज द इंटरवल बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सेज। सो इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द रूट्स। इसमें क्लासिफिकेशन रूट्स में क्या होता है, ओरल और इंटरनल रूट्स होते हैं। पेरेंटल रूट में क्या करते हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं, एक तो ओरल रूट देते हैं बाय माउथ। पेरेंटल रूट्स होते हैं, पेरेंटल में क्या इंजेक्शन लगाते हैं, इन्हेलेशन होते हैं। ट्रांस सबकुटेनियस होते हैं, ट्रांसम्यूकल होते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं और लोकल एप्लीकेशन होते हैं। ओरल में क्या है, ओरल में जो मोस्टली कॉमन यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज हम ओरली करते हैं। ओरली यानी कोई टैबलेट है, कैप्सूल है, एनी कोई ड्रग इन द बॉडी यूज करते हैं ओरली। ओरली में क्या होता है, ओरली में जो सेफ होते हैं और सेफ होते हैं, इकोनॉमिकल रूट होता है, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, विड्रॉल ऑफ द ड्रग्स इज पॉसिबल, ठीक है ना। जो ओरली रूट देते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या है, जो एक्शन स्लो एक्शन होता है, ठीक है। वाई जो कोई प्रिंटर लेते हैं, वही इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो जो है ब्लड में जाएगा तो जल्दी असर करेगा। ओरली में क्या है, ड्रग है, कोई ओरली लेते हैं उसका स्लो एक्शन करेगी वो। सो इसमें क्या है, नाउ इसमें ड्रग्स आर बिटर इन टेस्ट, बहुत ड्रग्स बिटर टेस्ट होता है, कौड़ा टेस्ट होता है, इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत औखा हो जाता है, ठीक है ना। वी कैन टेस्ट इज कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट उसको देख नहीं सकते, ठीक है ना। ड्रग्स प्रोड्यूसिंग नॉजिया एंड वॉमिटिंग कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड। नॉजिया से वॉमिटिंग के लिए ड्रग्स होती है, कैन नॉट एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते हैं। ड्रग्स मेड बी इनएक्टिवेटेड बाय द गैस्ट्रिक एंजाइम्स, दिस रूट इज नॉट पॉसिबल इन द अनकॉन्सिनेंस पेशेंट्स, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है, एंटेरिक कोटेड पिल्स और टैबलेट्स होती हैं। उसमें क्या, जो एंटेरिक कोटेड पिल्स और टैबलेट्स होती हैं ओरली प्रेपरेशन थ्रू होती हैं। इसमें सेलुलोज एसिटेट और ग्लूटेन होते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रॉयड दीज कोटिंग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस एसिड ड्यूस और स्टमक। Only alkaline intestinal juice removes from these coating, so the inactivation of the drugs in the stomach is avoided. Now parenteral routes होते हैं। parenteral routes में क्या होता है, parenteral routes में क्या, routes of the administration other than the oral और internal routes होते हैं, ठीक है ना। इसके advantages क्या होती हैं, parenteral की absorption is rapid and quick, एक्यूरेट डोज ऑन दी एक्यूरेट डोज ऑफ द ड्रग्स कैन बी गिवन, एक्यूरेट ड्रग एंट्री ड्रग एंटर कर दी इन द सर्कुलेशन ऑफ द एक्टिव फॉर्म के बीच, यूजफुल इज एमरजेंसी, ठीक है ना। एमरजेंसी के बीच प्रिंटर रूट यूज करते हैं इसे, यूजफुल इन द केस ऑफ अनकॉन्सियस पेशेंट के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके प्रिंटर रूट्स की, इसमें जो पेन है, पेन में भी प्रोड्यूस बाय द इंजेक्शन जो लगाते हैं तो पेन होता है, दर्द होता है। Abscess of the inflammation on the site of an injection, it is expensive, roots होते हैं, self medication is not possible. Injections क्या है, इंजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरडर्मल भी लगा देते हैं, ठीक है। इंटरडर्मल क्या है, जो लेयर स्किन की लेयर में लगता है, जैसे BCG वैक्सीन, BCG होगी सेंसिटिव और टेस्टिंग, ठीक है। सबकुटेनियस होता है, ये नॉन इरिटेंट इंजेक्शन होते हैं। इंट्रामस्कुलर होता है, जो मसल टिश्यू में इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। नाउ इसके इंट्रावीनस की एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, एडवांटेजेस क्या होता है, सर्कुलेशन इन द एक्टिव फॉर्म के बीच सर्कुलेट होकर दिए हैं, डिजायर ब्लड कंसनट्रेशन ऑब्टेंड होती है, क्विक एंड इंटरमीडिएट इफेक्ट होता है, क्विक एंड इंटरमीडिएट इफेक्टिव प्रोड्यूस, यूजफुल इन द केस ऑफ एमरजेंसी केस यूज करते हैं, यूज में अनकॉन्सियस पेशेंट लिए यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस में इसमें ड्रग्स क्या है, उसमें जो ड्रग लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, प्रेसिपिट बन जाते हैं। प्रेसिपिट बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर वो
ब्लड सर्कुलेट नहीं करता गा, ब्लड कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, सर्कुलेट नहीं कर सकता। सो ये क्या है, अनटूवर्ड रिएक्शन होंगे ने, विड्रॉल इन द ड्रग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ गया टॉपिक ट्रांसकटेनियस रूट्स होते हैं। ट्रांसकटेनियस में क्या होता है, इसमें जो इंट्रो आइनोटोपोफोर्सिस होते हैं, जेट इंजेक्शन होते हैं, एडहीजियस यूनिट्स होते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स आफ्टर द ड्रग इज एब्जॉर्ब। जब ड्रग कोई एब्जॉर्ब होती है, आफ्टर द ड्रग इज एब्जॉर्ब टू द वेरियस बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स, ड्रग्स कैन बी इजिली पासिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू अचीव वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग्स विच कैन नॉट बी पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन आर लिमिटेड इन द इन दियर डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहले हमने किसी को कोई ड्रग दे दी, ड्रग देने के बाद क्या, आफ्टर ड्रग एब्जॉर्ब होगी तो उसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसमें होगी, बॉडी टिश्यू और फ्लूड्स के थ्रू। ठीक है, ये ड्रग पास होगी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो बॉडी के सेल्स या सेल मेम्ब्रेन थ्रू पास होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो ड्रग्स कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन आर लिमिटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके बाद उसकी एंट्री किसमें होगी, सी एन एस में। सी एन एस में क्या है, सेंटर नंबर